नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें भर भर के लाइक चाहिए आपका, क्योंकि इस देश की राजनीति, लोकतंत्र, चुनाव, ईवीएम सबका पोल खोलने के लिए हम प्रस्तुत हैं। मैंने देखा है बहुत सारे सवाल हैं, दर्शक अक्सर कमेंट्स में सवाल करते हैं, आज हम सवाल करेंगे और आप जवाब देंगे, कमेंट्स करेंगे, बताएंगे। अगर एक क्रिकेटर, एक बहुत बड़ा प्लेयर के ऊपर जब मैच फिक्सिंग का आरोप लग सकता है, मुझे याद है बेस्ट क्रिकेटर अजहरुद्दीन के ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था कि मैच हारने का आपने कितना पैसा लिया। ठीक उसी तरह अगर हमारे देश के विपक्षी नेताओं के ऊपर ये सवाल दाग दिया जाए, इनसे पूछा जाए आप चुनाव हारने के कितने पैसे लेते हैं, जो हाईकमान है उनको क्या क्या मिला। सवाल इसलिए बनता है कि महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, ये सब के सब आपको नहीं लगता कि मैच फिक्सिंग की तरह है। हम आपको बारी बारी से बता देते हैं कि महाराष्ट्र में केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं हुआ, वहां पर एक उपचुनाव था लोकसभा का, नांदेड़ लोकसभा की सीट कांग्रेस जीत जाती है और उसके 6 विधानसभा कांग्रेस हार जाती है। ये जनता को क्यों उल्लू बनाया जा रहा है? एक ईवीएम में 1000 मत पड़ सकते हैं क्योंकि उसकी कैपेसिटी है, और 6 कैंडिडेट को 300 वोट मिलता है, 800 वोट कहां से आ गए, क्योंकि क्षत्रिय 1800 वोट निकल रहा है और कैपेसिटी है 1000 वोट का ही। मैं आपको इस तरह के 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं कि मैच फिक्सिंग की तरह है। ऐसे 84 विधायक बनते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र को मिलाकर, जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन का है। इतनी साहस है कौन इंडिया गठबंधन में कि ये कह दे कि 84 के 84 विधायक हम इस्तीफा दे रहे हैं। इनके पास 200 से ऊपर लोकसभा में विपक्ष की सीट है। क्या ये सब के सब कह सकते हैं हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, हम बाहर ही रहेंगे क्योंकि हम चुनाव हार रहे हैं, आपकी चुनावी प्रक्रिया पर हमको भरोसा नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि हम ईवीएम से ही चुनाव लड़ेंगे और चाहे जीत भी जाए तब भी हम ईवीएम का विरोध करेंगे। आप किसको उल्लू बना रहे हैं? क्या आम जनता किस मुगालते में है और जनता कैसे कहेगी कि फला सत्ता का हम परिवर्तन कर देंगे? हमारे बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं हम 85%, मात्र 15% ही सवर्ण है, तो आप 85% भोज भात कीजिए, फंक्शन कीजिए, शादी ब्याह में शिरकत कीजिए, लोग जुटेंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम चुनाव भी जीतेंगे, ये हजम नहीं होती क्योंकि चुनाव फिक्स होता है, मैच फिक्सिंग होता है, और आपके जो नेता हैं वो इसका विरोध नहीं करते। आप उबलते रहिए, उछलते रहिए, आप ये कहिए ईवीएम गलत, हमने वोट दिया, वोट बहन मायावती जी को क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैच फिक्स है, सबके सब फिक्स हैं। जितना उबाल आम जनता में है क्या उतना उबाल इन नेताओं में है? प्रियंका गांधी वाड्रा, बिल्कुल कांग्रेस की वो पक्की सीट है, रिजर्व सीट है, वहां से चुनाव जीतती है, उन्हें लड्डू खिलाया जाता है, वो लड्डू बांटती भी हैं। झारखंड के चुनाव जीतकर 15-16 सीट आया है कांग्रेस को, बड़ा जश्न मना रहे हैं। महाराष्ट्र में सफा चट है, इसका कोई गम नहीं, यानी इस बार पेंशन मैं प्राप्त करूंगा, अगली बार पेंशन तुम प्राप्त करना, भाई या तो वेतन मिलेगा या पेंशन मिलेगा। लुटती है जनता, मरती है जनता, मरने दीजिए, लुटने दीजिए, इन जनता की भावनाओं से खेलना कब तक, कब रुकेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। आप इंतजार कर रहे होंगे 2025 का बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, और मेरा जो अपना अनुमान है कि बिहार विधानसभा की 243 सीट है,
और 2025 के चुनाव में भाजपा को 100 सीट आएगा और 20-22 सीट नीतीश कुमार जी को भी आ जाएगा, ताकि उनको साथ में रखना है ना, लेके चलना है। जैसे कि महाराष्ट्र में भाजपा को 132 सीट आई, तो एकनाथ शिंदे को भी जो है रखे हुए हैं और अजित पवार को भी उतना सीट दे दिए, ताकि हमारा सहयोगी नाराज ना हो, कोई बवाल ना हो, मैच तो फिक्स ही है। ठीक उसी तरह 2025 में बिहार में भाजपा का शासन होगा और हो सकता है गिरिराज सिंह जो बेगूसराय सांसद हैं बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जैसे कि कल की घटना मैं आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड बिल जो संशोधक विधेयक है उसका खिलाफ करने के लिए बहुत सारे मौलाना, जमायत हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी, अरशद मदनी, सबके सब इकट्ठा हुए और नीतीश कुमार उस मंच पर नहीं गए। अब नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आप परसेंटेज बताते रहिए, परसेंटेज उनको भी पता होता है, जो आप बताते हैं हम मीडिया वाले भी बताते हैं, और उसी हिसाब से वो मैच फिक्स कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है, आप दिन भर मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, दिन भर में कुछ तो बैटरी खत्म होगी ही, और शाम में आपकी मोबाइल सीज कर लें और कल सुबह जब मोबाइल आपके हाथ में दिखाया जाए और उस वक्त 99% अगर रिचार्ज हो, तो दो बातें हो सकती है, या तो मोबाइल रात में रिचार्ज हुई है अथवा आप दिन भर मोबाइल चलाए ही नहीं, तभी तो 99% रिचार्ज रहेगी। जितने भी ईवीएम थे सब के सब 99% रिचार्ज मिले, जो कि बिल्कुल स्ट्रांग रूम में इतने दिनों से बंद थे, 3-4 दिनों से और महीना दिन से भी कह लीजिए, सब 99% रिचार्ज कैसे। और रही बात ये, अगर 4% का मार्जिन है तो चुनाव खत्म होने के बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम जाने के बाद सभी ईवीएम में 4% वोट कैसे बढ़ जाता है। आरोप बहुत लग रहे हैं, जनता में उबाल है, लोग कहते हैं आश्चर्यजनक घटना है, लेकिन इन नेताओं के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत खुश हैं, वेतन ना सही, पेंशन तो मिलेगी। सवाल ये बनता है, ईवीएम के खिलाफ या जो चुनाव का वर्तमान सिस्टम है, जिस प्रकार से ये कार्यशैली है चुनाव प्रक्रिया का, इसके खिलाफ विपक्ष कब लामबंद होगा, कब स्ट्रांगली इसका अपोज करेगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे, इस देश के दुर्दशा का कारण कांग्रेस है, साथ में जो उनकी सहयोगी दल है वो सब के सब इस देश के दुर्दशा के कारण बन चुके हैं। आम जनता हंसी का पात्र है। अगर आप ताल ठोकते होंगे, हम फला पार्टी के हैं, समर्थक हैं, हमारे पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, आप हंसी के पात्र हैं, लोग हंसते हैं, क्योंकि आपको वोट तो आएगा नहीं। बहन मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि अब हम आगे से उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या वो ये कह सकती हैं कि जो आम चुनाव है विधानसभा का, वह भी हम नहीं लड़ेंगे जब तक बैलेट पेपर से चुनाव ना हो। जर्मनी से ईवीएम आती है, जर्मनी में ईवीएम बनती है और जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, वो ईवीएम से नहीं कराते हैं। कहने का मतलब यह है, वह दूधिया जो दूध बेचता है, वह दूध दुनिया को देता है, लेकिन वही दूध वह खुद नहीं पीता है, क्या कारण हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल यह भी है, एक बात और, कर्नाटक में भी उपचुनाव हुए, भाजपा एक भी सीट नहीं निकाली। पंजाब में भी 4 सीट का उपचुनाव हुआ, 1 कांग्रेस जीती, 3 आम आदमी पार्टी जीती, भाजपा नील बटे सन्नाटा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नील बटे सन्नाटा। कहने का मतलब, ये वही चुनाव क्यों जीतते हैं जहां इनका शासन और सत्ता होता है। ये उत्तर प्रदेश में 9 में 7 सीट जीत गए, 2 सपा को दे दिए ताकि कोई मतलब जो है हंगामा ना करे, कोई मतलब जा खड़ा होकर जो है धरना अपना बैठ जाए, भूख हड़ताल ना कर दे, तो 2 सीट दे दो भाई, कम से कम शांति तो बनी रहेगी। रही बात ये, वायनाड राहुल गांधी जी की अपनी सीट थी, रिजाइन दिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है चुनाव जीती। ये ऐतिहासिक क्षण है,
इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसा समय आया जब गांधी परिवार के तीन तीन सदस्य लोकसभा राज्यसभा में मौजूद रहे। मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो वर्तमान की स्थिति है कि सोनिया गांधी जी राज्यसभा सदस्य हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में होंगी, उनके भाई राहुल गांधी जी लोकसभा में होंगे, एक ही फैमिली के तीन तीन सदस्य सांसद के रूप में मौजूद होंगे। ये ऐतिहासिक क्षण कांग्रेस के लिए हो सकता है, लेकिन आम जनता जो ठगी गई, बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा, भावना बस मरते हैं कटते हैं, चुनाव में जी जान लगा देते हैं अपने नेताओं के लिए। जब उन्हें ये पता लगे कि उनके नेता अंदर खाते ही इतना रकम ले लिए हैं चुनाव हारने के लिए, तो उन कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या बीतेगी। एक बात और बता देता हूं, कांग्रेस फिलहाल भले ही गरीब पार्टी हो, पैसे नहीं खर्च कर रही है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो भाजपा के नेताओं से ज्यादा रईस हैं। उनकी जो फॉर्च्यूनर होती है, जो उनकी चमचमाती हुई गाड़ियां होती है, जो उनके घर होते हैं, वो काफी चमकीले होते हैं। ये रईसी कहां से आ रही है, हारने के कितने पैसे मिलते हैं, ये सवाल तो बनेगा। बहन मायावती जी के पास राज्यसभा सांसद भी है, 10-10 लोकसभा सदस्य रहा है, बहुत बार सत्ता में भी रही है। बहुजन समाज ये सवाल कर सकता है कि नेताओं की रईसी, इनकी जो लग्जरियस लाइफ है, कहां से आती है। बहुजन समाज तो गरीब है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गरीब है, गरीबी में सारा कार्यक्रम होता है, लेकिन इन नेताओं के रईसी के ऊपर सवाल तो उठेगा। चुनाव हारने के लिए, बेमन से चुनाव लड़ने के लिए, पूरी तरह से हिस्सा नहीं लेने के लिए कितने रकम मिलता है, ये सवाल है। कांग्रेस से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, बसपा से भी सवाल पूछेंगे, समाजवादी पार्टी से भी सवाल पूछेंगे। क्या आप लोगों ने मन बना लिया है कि आम जनता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से खेलना है, और सबके सब सेटिंग है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपने सेटिंग नहीं किया है, तो इसका पुरजोर विरोध हो, ईवीएम का विरोध हो, चुनावी प्रक्रिया का विरोध हो। इस देश की मालिक जनता है, ईवीएम नहीं। इस देश की मालिक जो है 140 करोड़ जनता है, उसकी भावनाओं से नहीं खेल सकते। अगर आपका चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष है, तो इतना तो बता दीजिए, एक विधायक महाराष्ट्र में अपनी पत्नी के साथ, अपनी मां के साथ, अपनी बहन के साथ, चार मेंबर मिलकर चुनाव देने गए, और 50 व्यक्ति का उनका फैमिली है, चारों ने बटन दबाया, एक साथ बूथ पर गए, और उनको मात्र 2 वोट मिला। क्या आपको लगता है कि उनकी मां और उनकी बहन भी उनको वोट नहीं दी होगी, और वो पति पत्नी केवल वोट दिए, लोग अपना वोट तो खुद दे ही लेगा। तो इस तरह की धांधली जब निकल कर आती है, कहने का तात्पर्य यह, हर जगह ईवीएम में हेरा फेरी है, कहीं कुछ हो रहा है। कहने का मतलब, 1000 की कैपेसिटी वाला ईवीएम जो है 1500 वोट दिखा रहा है, 1800 वोट दिखा रहा है, ये कैसे हो सकता है। जब आप ऊपर में ही लिख देते हैं कि इसकी क्षमता 1000 वोट की है, तो 1800 की गिनती कैसे आ गई, फिर ऊपर नीचे होता है। और कहने का मतलब यह, वोट पड़ता है 4 लाख, कहते हैं 5 लाख से जीत, ये कैसे हो जाता है। आपने तो शेयर मार्केट के कैंडल को भी जो है मात दे दी। कहते हैं ना, शेयर बाजार में जो ऑप्शन का रेट जब बढ़ता है, एकाएक ब्रेकआउट होता है। क्या इलेक्शन कमीशन भी ब्रेकआउट दिखाता है, एकाएक जो है लाखों की वोट पड़ गई। ये सारा खेल अब जनता समझने लग गई है। आज की तारीख में जितने भी ये स्पेशल जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, उनका संदेह केवल सत्ता पर नहीं, विपक्ष पर भी हो गया है। आप चैनल दर चैनल ढूंढना शुरू कर दीजिए, सब के सब जो है अब विपक्ष के ऊपर भी संदेह कर रहे हैं, कहीं ये सेटिंग तो नहीं कर रहे हैं। जितना हम चिल्लाते हैं, उतना ये कुछ बोलते ही नहीं। ये तो बड़ा मजे ले रहे हैं, फिरकी ले रहे हैं लोगों से, हम चुनाव हार गए, बड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं हम तो चुनाव हार गए, एक्सेप्ट करते हैं। और आम जनता के ऊपर क्या बीतती है, ये इनको समझ में ही नहीं आता। ले देके उत्तर प्रदेश में जो संभल की घटना हुई,
और संभल की घटना में समाजवादी पार्टी के सांसद पूना में होते हैं, एफआईआर संभल में हो जाता है, देश में हिंदू मुस्लिम करके, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को दरकिनार करके, इस तरह की राजनीति करके वहम फैलाई जाती है, आम जनता के साथ भावनाओं से खेला जाता है। आज की तारीख में चाहे आप जनसंख्या कितनी भी हो, आप जनबल में कितने भी ज़्यादा क्यों न हो, आपके रैली, आपके जो भी है प्रोग्राम, उन प्रोग्राम में लाखों की भीड़ क्यों ना आती हो, चुनाव तो हम जीतेंगे, सत्ता में तो हम आएंगे। और जिनके लिए आपने रैली की, वो मुस्कुराते हुए कहेंगे कि हम अपनी हार की जिम्मेदारी लेते हैं, हम विपक्ष में खड़ा हो जाएंगे। तो इस खेल में जनता शामिल क्यों हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। रही बात ये, न बहुजन समाज कमजोर है, न बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, न समाजवादी पार्टी कमजोर है, कोई कमजोर नहीं है, सब के सब मैच फिक्सिंग का खेल है, आम जनता के साथ खेल हो रहा है, खेला जाता है भावनाओं से, योजनाओं से, आपके अधिकारों से, आपके हक से, हर प्रकार से खेला जा रहा है, उस खेल के आप शिकार हैं। ये बड़े बड़े खिलाड़ी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सांसद सत्र शुरू होगा, अगर थोड़ी भी गरिमा है, थोड़ी भी शर्म है, ये सब के सब सांसद बाहर बैठ जाए, कहे पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा, जो करना है बीच में करो, जो बोलना है रामलीला मैदान में ओपन में पार्लियामेंट लगाओ, अब हमको उस संसद भवन पर भरोसा नहीं है, वहां तो सारे के सारे खेल आपके हिसाब से होते हैं। कम से कम आंखें तो शर्माएगी, जनता चारों तरफ देख रही होगी, थोड़ा बहुत तो लाज लगेगा। संसद भवन में कैमरे होते हैं, वीडियो देख देख के आप उछलते कूदते हैं, अंदर में वो सारा गेम बजाते रहते हैं। अब तो इस देश का पार्लियामेंट चले ओपन में, रामलीला जैसे, रामलीला मैदान जैसे जगह पर, जहां पर विपक्ष भी खड़ा हो, सत्ता पक्ष भी हो, और जो भी बिल पास करना हो उस बिल के ऊपर खुली चर्चा हो, खुली बहस हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, जनता के हाथ में इस देश की सत्ता होनी चाहिए, इस देश का मालिक जनता होना चाहिए, ईवीएम नहीं होना चाहिए, और इस तरह का चुनावी प्रक्रिया होगा तभी जाके लोगों का विश्वास पैदा होगा। सामने आने वाला 2025 का चुनाव है, क्यों इंतजार करें, जब जानते हैं कि सत्ता उसी की आएगी जिसके पास ईवीएम होगा। 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्यों इंतजार करें, जब उनके हाथ में सब कुछ है, और ये बिके हुए लोग विपक्ष बनकर हमें बेवकूफ बनाते हैं। तो इस तरह का माहौल बनता जा रहा है जनता में, आम जनता में घोर असंतोष है, हर जगह यही चर्चा है, गांव के गांव लोग ये कह रहे हैं हमने फलाना को वोट दे दिया तो फिर उसको कैसे आ गया। कहने का मतलब यह, बहुत कुछ खेल हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।